अगेन वेलकम बैक। अब हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं भोजन की व्यवस्थाओं की तरफ। कछारगढ़ के क्षेत्र में हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे निःशुल्क है, लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे की गई है। अब हमारे साथ यहाँ पे हमारे पुराने मित्र हमें मिल चुके हैं, मुकेश भाऊ पिंदाम जी, और उनके साथ हम बात करेंगे। उनके साथ और वरिष्ठगण उनके संगठन के हैं, अधिकारी कर्मचारी संगठन, यहाँ पे आदिवासी कर्मचारी संगठन, स्टूडेंट फेडरेशन जो तुमसर से है, तो वहाँ से यहाँ की टीम आई हुई है जो प्रतिवर्ष यहाँ पे भोजन की व्यवस्था करते हैं, और भोजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फिर काफ़ी यहाँ पे जितनी भी व्यथाएं हैं, यहाँ पे जितना भी सामाजिक कार्य है उस पर वो सहयोग करते हैं। मैं जानना चाहूँगा मुकेश भाऊ से, मुकेश भाऊ कब से हैं आप यहाँ पे भोजन की व्यवस्था? यहाँ पे हम अभी परसों से हैं, 2-7 तारीख से, और कल से चालू किया है। 7 तारीख से व्यवस्था में और कल से हमने शुरुआत की है। मुकेश भाऊ कौन सा वर्ष है आपका ये? अभी हमारा फर्स्ट वर्ष है। अच्छा, ये आपने पहली बार शुरू किया है, ठीक है। अच्छा, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इसकी प्रेरणा कचारगढ़ से ही मिली। हम इतने साल से जैसे कचारगढ़ आ रहे हैं, अपने लोगों को पहले असुविधा होती थी, अब जैसे भोजन समिति देती है तो पूरा लोड उनके ऊपर आ जाता है, हाँ, तो अकेले के ऊपर नहीं होना चाहिए, इसलिए अपन ने भी छोटा छोटा लगाना चाहिए, यानी उतनी जो पब्लिक है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो सबको इजीली मिल जाएंगे। हाँ, बेशक मैं इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने भी अपनी सेवाएं उस जगह पे दी है, और बतौर GSU के जब मैंने संगठन यहाँ पे लेके आता था तो यहाँ पे पूरी सेवाएं यहाँ पे दिया करता था, तो मुझे इस बात की अनुभूति है कि क्या वो धक्के पड़ते थे, कैसे बांस मैनेज करने पड़ते थे। मगर अभी कंपेरेटिवली क्राउड थोड़ा सा मैनेज लग रहा है, 3-4 और कुल हैं इस तरीके से, बेहतर है, और ये हमारे लिए एक अच्छा इंस्पिरेशन का भी बात है। हमारे साथ उनके और कार्यकर्ता गण यहाँ पे मौजूद है, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। हाँ जी, मैं कैलाश गजाम। कैलाश गजाम जी हैं, आप भी तुमसर से? जी हाँ जी। आप किस संगठन से? मैं कर्मचा संगठन से हूँ। आदिवासी कर्मचारी संगठन, गोंडवाना कर्मचारी संगठन से। जी जी, तो आप भी साथ ही में ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप किस जॉब में सर? मैं प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, प्रिंसिपल हैं, चलिए बहुत बढ़िया है। मैं भी एक टीचर हूँ, समझ लीजिए। क्या कहाँ पे आप प्रिंसिपल हैं? मैं तुमसर प्रॉपर हूँ। तुमसर प्रॉपर में, गवर्नमेंट में है? हाँ जी हाँ जी। चलिए बढ़िया है। हमारे साथ उनके साथ एक और वरिष्ठ जन यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वरिष्ठों का ही हमें साथ होता है तो हम अपने भविष्य में आगे बढ़ने की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे साथ दादा यहाँ पे मौजूद हैं। दादा, मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मीताराम उइके। मीताराम उइके जी हमारे साथ मौजूद है। आप क्या करते हैं दादा? सर, सेवानिवृत्त। रिटायर हो चुके हैं आप, यानी कि किस पोस्ट में थे पहले? केंद्र प्रमुख यानी शिक्षा विभाग में थे। चलिए बहुत बढ़िया, दादाजी भी शिक्षा विभाग में थे। एक चीज़ देखी गई है, शिक्षा विभाग का जो व्यक्ति होता है ना, उसके अंदर एक आग होती है, कुछ कर दिखाने की चाहत होती है, क्योंकि वो निरंतर एक नए नुहालों को तैयार करता रहता है, इस देश के नए जीव पीढ़ियों को तैयार करता रहता है कि वो इन लोगों को किसी दिशा में भेज सके। इसलिए वो इंसान कभी थकता नहीं है। दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में मैं कह नहीं सकता, मगर फ़िलहाल हमारे सामने जो ऑप्शन है वो आपके सामने मौजूद है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद ट्रैवल न्यूज़। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं 95 से यहाँ पे आ रहा हूँ, आठवीं कक्षा में था तब से आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो हम कैसे क्या करते थे, हमको खाने की व्यवस्था नहीं होती थी, हम कहीं पे भी पेड़ के नीचे रहते थे, हम जो लेके आते थे हम वही खाते थे, टिफिन वगैरह वही खाते थे। तो हमको ऐसा पीड़ा होती थी कि कुछ तो भी अलग करना चाहिए, अपने लोगों को ऐसा पीड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए हम कैसे पूरे संगठन मिल के हमने खाने की व्यवस्था, यानी अपने लोगों को कोई ये नहीं होना चाहिए, बस यही हमारा उद्देश्य है। चलिए बहुत बहुत बढ़िया, हमारा भी कुछ ऐसा ही उद्देश्य है कि हमारे लोगों को पीड़ा ना हो, और इसी तरीके से उसी मिशन पे हम सब मिलके हिल मिल के काम करते रहें, ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।